Welcome students. आज हम देखने वाले हैं 20, जो कि है 19th of August की की। की इसके अंदर हम तीनों देखेंगे मैथ का जो का टॉपिक है वो लाइंस एंड एंगल्स रिलेटेड है जो कि कॉन्टिन्यू हो रहा है लास्ट वर्कशीट से तो सबसे पहले इस फिगर को देख लेते हैं इस फिगर में क्रॉस जैसे कैंची होती है वैसा सा दिखाई दे रहा होगा और मैं आपसे खुद रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनको खुद करके देखें डी से इन सब एंगल्स को मेजर कर करके देखें एंगल वन एंगल टू एंगल थ्री कोई भी आप दो लाइन बनाएं और मेजर कर करके देखें और चेक करें कि क्या सामने वाले एंगल वन और टू सामने थ्री और फोर सामने वाला एंगल इक्वल है या नहीं है हमारी माने तो होता है बट मैं कभी भी आपसे ये नहीं बोलूंगा कि आप रट्टा मार लें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको खुद करके देखें इस प्रॉपर्टी को कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ठीक है वर्टिकली ऑपोजिट वर्टिकल इसलिए क्योंकि ये जैसे V बनता है ना V मैं इसको V से याद रखता हूँ V बनाते हैं तो दो V बनाते हैं वर्टिकली अपोजिट दो आमने-सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं ये पहली प्रॉपर्टी है तो दूसरी प्रॉपर्टी इसके अंदर हो गई ट्रांसवर्सल की ये T जो आपको छोटा सा दिखाई दे रहा होगा मैं Zoom करने की कोशिश करता हूं अगर यहां पर आपको शायद दिखाई दे जाए T या L जो भी है बहुत ही ब्लर इसके अंदर ये वर्कशीट थी तो चिंता ना करें टीएल कोई भी नाम हो सकता है तो यहाँ पे एल दे रखा है एल जो है एक ट्रांसवर्सल एक लाइन है ट्रांसवर्सल कहते कैसे हैं मैं वो समझा देता हूँ ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन होती है जो दो लाइनों को से पास करे देखो यहाँ पे दो लाइनें हैं ना ये दो लाइनों से एक लाइन जो है वो पास कर रही है तो इस टाइप की लाइन को कहते हैं ट्रांसवर्सल तो ट्रांसवर्सल इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा वो तब इम्पोर्टेंट हो जाती है जब एक ये दोनों जो बाकी दोनों लाइंस हैं वो पैरेलल हो जाएं तो इस केस में बहुत सारे एंगल्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अब यहाँ पर हम दो लाइनों के बीच में देखें तो ये जो बीच वाले जो एंगल है दो लाइनों के बीच में उन्हें कहते हैं इंटीरियर एंगल्स ठीक है तो एंगल थ्री फोर फाइव सिक्स मैं समझ सकता हूँ बहुत ही बारीक लिखा हुआ है बट सुने ध्यान से थ्री फोर फाइव सिक्स जो है वो अंदर है इन दोनों लाइनों के अंदर है तो इसलिए उनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल सेवन एट ये क्या है एक्सटीरियर एंगल तो इनको एक्सटीरियर बोलते हैं तो इनके बेसिस पे प्रॉपर्टीज बनती हैं जब वो दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएं तो समझ में आ रहा होगा आपको थोड़ा बहुत तो पहला होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो कॉरस्पोंडिंग एंगल्स तो कौन से होते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मैं जिस तरीके से याद रखता हूं वह है कि एक बाहर का एक अंदर का देख रहे हैं कलर से समझ में आ रहा है टू और सिक्स कॉरेस्पॉन्डिंग है यहाँ देखें तो फोर और एट कॉरस्पॉन्डिंग है वन और फाइव कॉरेस्पॉन्डिंग थ्री और सेवन कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसे कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो हम यहाँ पर इसको लिख के भी यहाँ पर आपको बता देते हैं ब्लैंक्स के फॉर्म में यहाँ पे दे रखा है थ्री के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है आप देखें यहाँ पर थ्री के कॉरेस्पॉन्डिंग है एंगल सेवन तो हम यहाँ पे एंगल सेवन यहाँ पर लिख देंगे Know, आया नहीं एंगल सेवन अरुण क्यों नहीं आ रहा ये एंगल ऑफ यहाँ पे दे रखा है एंगल टू एंगल टू के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है सिक्स एंगल सिक्स उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे पता नहीं टाइपिंग के बाद लिखा हुआ नहीं आ रहा कोई बात नहीं आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट पे चलते हैं एंगल फोर एंगल फोर के कॉरिस्पॉन्डिंग कौन है एंगल एट तो हम यहाँ पे एंगल एट हम यहाँ पे लिख देंगे तो सेम चीज यहाँ पर भी हम लिख देंगे एंगल एट तो मेरे ख्याल से एंगल का निशान नहीं ले रहा तो मैं सीधा एट लिख रहा हूँ तो एंगल आप अपने आप लिख लेंगे मिक्सर sure. तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऑल्टरनेट एंगल तो ऑल्टरनेट से मैं समझता हूँ ऑल्टर ऑल्टर करना जो बटन लगाते हैं तो हम इस तरीके से क्रॉस करके नहीं लगाते तो आपने देखा होगा होल के अंदर इस तरीके से क्रॉस करते हैं तो इस तरीके से अल्टर कहते हैं ना भैया अल्टर कर दो जब कोई चीज़ ख़राब हो जाती है या फिर छोटी करनी होती है तो वो जो बटन होता है वो इस तरीके से होता है हम उसके अंदर जब भी बांधते हैं तो उसको क्रॉस करके बांधते हैं तो उसी तरीके से एंगल भी ऑल्टरनेट इसी तरीके से बना हुआ है यहाँ पर थ्री का जो ऑल्टरनेट इंटीरियर है वो फाइव है और फोर का जो है वो सिक्स है तो यहाँ पे हम लिख देंगे फोर का देखो उन्होंने सिक्स लिख रखा है तो थ्री का मैंने आपको बताई दिया वो फाइव है तो हम यहाँ पे एंगल यहाँ पे फाइव लिख देंगे यहाँ पर भी एंगल फाइव तो आप खुद लिख लीजिएगा अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में नेक्स्ट आता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी इसी तरीके से काम करता है ये देखो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ वन का ऑल्टरनेट एक्सटीरियर हो गया सेवन ये दे रखा है और टू का क्या हो गया एट तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें याद रखनी पड़ती हैं जिनका हमारा यूज होगा बहुत ही ज्यादा तो उम्मीद करता हूं प्रॉपर्टी समझ में आई होगी आइए चलते हैं इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं आंसर नंबर वन देख लेते हैं फिगर दे रखी थी इसके अंदर बहुत सारे तरीके हो सकते हैं आपको कैसे सॉल्व करने में मजा आता है या फिर आपको कैसे दिखाई देता है मैंने एक तरीका यहाँ पे लिखा है ये आप ध्यान से देखें तो एक सीधी लाइन बन रही है ये दोनों एंगल मिला के एक सीधी लाइन बना रहे हैं तो इसे कहते हैं लीनियर पेयर तो फिफ्टी प्लस एक्सन एटी डिग्री लीनियर पेयर एक्स की वैल्यू आ गई वन थर्टी अब क्वेश्चन ने बोला था ये दोनों लाइनें क्या हैं वो पैरेलल हैं ठीक है पैरेलल होने की वजह से क्या हो जाती है हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती है तो एक्स और वाई आपस में क्या हो जाते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो जिस वजह से वाई की वैल्यू वन हो गई तो आपके पास कोई और तरीका हो तो आप उससे भी कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ चलते हैं अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा तो इसमें बोल रहा था कि ये दोनों लाइन पैरल हैं तो पैरल मार्क कर देते हैं तो अगर ये पैरल है तो अगर ध्यान से देखें तो 50 और x ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गए तो मैंने x की वैल्यू ऑल्टरनेट इंटीरियर से 50 निकाल ली अब ये जो है एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जिसके अंदर ये 127 डिग्री जो है वो एक्सटीरियर हो गया ये मैंने फिगर में यहाँ पर दिखा दिया तो इसे कहते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हमने इसके अंदर पुट करा इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है अंदर के दोनों एंगल का सम बाहर वाले एंगल के बराबर होता है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x प्लस वाई को वन ट्वेंटी सेवन एक्स की वैल्यू मेरे पास फिफ्टी आ रखी थी वैल्यू आ गई वाई की सेवेंटी सेवन अगर कोई भी डाउट हो इसके अंदर तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं तो उसके स्पेसिफिक में इसके रिलेटेड एक वीडियो अलग से बना भी दूंगा अगर कोई डाउट हो तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को अब आगे चलते हैं साइंस की वर्कशीट की तरफ आगे चलते हैं अपनी साइंस की वर्कशीट में वर्कशीट नंबर ट्वेंटी की क्लास की हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू हो रहा है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसके अंदर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो लाइफ प्रोसेसिस के बारे में बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेसिस तो लाइफ uh, प्रोसेस होती है आप समझें कि जैसे आप जिंदा हैं एक इंसान जब जिंदा होता है तो कुछ प्रोसेसिस करता है हाँ हमारे साथ तो बातें बातें करना पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के कुछ इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस भी होती है पढ़ना इंपॉर्टेंट है बट कुछ ऐसी प्रोसेसिस हैं जिसको कोई भी जीवित प्राणी नहीं छोड़ सकता जैसे डॉग हो गया कुत्ता बिल्ली हो गया वो पढ़ने नहीं जाते लेकिन उनके कुछ प्रोसेस हैं वो रहती हैं उनके पास उसी तरीके से जो सेल होता है सेल भी एक लिविंग सेल कहलाता है तो वो भी कुछ ना कुछ लाइफ प्रोसेसिस करता है वो क्या लाइफ प्रोसेसिस करता है एक्सक्रीशन uh, हो गया इनहेल एक्सेल मतलब जिंदा रहने के लिए ये देखिए यहाँ पर ग्रो बढ़ता है एक्सक्रीट एक्सक्रीट मतलब टॉयलेट हो गया अब जो भी वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी के अंदर वो हम निकालते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर ये नहीं होगा तो हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी फूड खाते हैं कुछ ना कुछ हर एक का अलग अलग तरीके का फूड हो सकता है बट फूड खाते हैं जिस वजह से एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा माना जाता है आगे चलते हैं ऑल दीज एक्टिविटीज आर नोन एज लाइफ प्रोसेस दीज आर परफॉर्म इन एवरी लिविंग सेल बाई एक्सचेंज ऑफिसरी सबसे स्पेशल इम्पोर्ट कॉम्पोन सेल ऑर्गेन एक सेल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पार्ट भी होते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं एवरी ऑर्गेनल परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क जैसे कि आपका हाथ है कुछ इंपॉर्टेंट काम कर सकता है पैर है आप पैर की जगह पे हाथ काम नहीं कर सकते हाथ की जगह पे पैर काम नहीं कर सकते उसी तरीके से आपका दिल है दिमाग है हर एक का एक अपना टास्क है ना उसी तरीके से एक सेल के अंदर भी अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं ऑर्गेनल्स मतलब उसके पार्ट्स हो गए पार्ट होते हैं तो उनका अलग अलग एक टास्क होता है काम करने का एक उनका एक मोटो होता है जीवन में में भी सेल इज एबल टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन बिकॉज ऑफ मैं बोलूं कि आप आज के के वीडियो देख के समझ कैसे रहे हो आप बोलेंगे सर देख रहा हूं ऐसा नहीं है अगर आप देख रहे हो आप समझ भी रहे हो दिमाग का भी काम ले रहे हो आप उसी तरीके से अपने हाथों का भी यूज कर रहे हो वीडियो को पॉज करना आगे बढ़ाना उसी तरीके से आप हर एक चीज का अपनी बॉडी में आप यूज करते हो उसी तरीके से जो सेल काम करता है वो ऑर्गेनल्स की मदद से करता है एवरी सेल हैज प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके ऑर्गेनल्स हैं जिनका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में तो आइए चलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल में अच्छे से पढ़ लेते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आ, कहते हैं आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम नेसेसरी मटेरियल जैसे कि आपने नाम पढ़ा इसका मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन का मतलब हो गया आउटर मोस्ट लाइन तो आउटर मोस्ट लाइन जो क्या करती है वो एक तरीके से गेट कीपर का, का काम करती है ये अलाउ करती है ये कौन सी चीज अंदर आएगी कौन सी चीज बाहर जाएगी तो जो इंपॉर्टेंट मटेरियल होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन न्यूट्रंस वाटर ये सारी सारी चीजें सेल के अंदर बाहर आना और जाना ये कौन अलाउ करता है ये सेल मेम्ब्रेन अलाउ करती है उसी तरीके से क्योंकि ये सबको सबको अलाउ नहीं करती किसी किसी को अलाउ करती है इसलिए इसको सिलेक्टिव मेम्ब्रेन भी बोलते हैं ये सिलेक्टिवली Permeable membrane. Permeable का मतलब होता है जो परमिट से पास करा जा सकता है so selective permeable membrane. किसको बोला बोला जाता जाता है है ये? ये प्लाज्मा को उम्मीद करता हूं टर्म्स आगे चलते हैं जब एक सेल में मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन देखो कॉन्सेंट्रेशन हो गया हाई कॉन्सेंट्रेशन अब ज्यादा लोग जहां से मूव करके कम की जगह पे होते हैं मैं इसको अगर अपनी लोकल भाषा में समझूँ तो अगर आप मेट्रो में घुसते हो मेट्रो के दरवाजे के एकदम सामने बहुत ज्यादा लोग होते हैं ना वो धीरे धीरे आगे की तरफ जा रहे होते हैं कि बीच में जहाँ पे कम लोग होते हैं तो हाई से जब आप लो की तरफ मूव करते हैं उसे कहते हैं डिफ्यूजन एक सिंपल भाषा में अगर समझा जाए तो डिफ्यूजन तो होता है जब आप हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हो उसे कहते हैं डिफ्यूजन अब डिफ्यूजन जब वाटर का होता है डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोलते हैं ठीक है जब वाटर का डिफ्यूजन होता है उसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं अब इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सेल अब ये मूवमेंट होती है तो इससे इफेक्ट क्या पड़ता है अब तीन तरीके के इफेक्ट हो सकते हैं तीन तरीके का सॉल्यूशन हो सकता है पहला हाइपोटोनिक और ये जो तीसरा है हाइपरटोनिक पहले इन दोनों को समझ लेते हैं क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग नेम है water, है है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दैट हैव मोर वाटर वाटर और हाइपरटोनिक लेस ठीक आई नो हाइपर से मेरे को लगता है कि ज्यादा होना चाहिए बट कोई बात नहीं मेरे लगने से नहीं होता या आपके लगने से नहीं होता जो यहाँ पे डेफिनेशन है वो मतलब है तो समझे हाइपरटोनिक हो गया लेस वाटर अगर लेस वाटर होगा सॉल्यूशन का तो जरा हम इसको इमेज में भी देख लेते हैं तो ये इमेज में है अगर लेस वाटर होगा तो क्या होगा कि वो श्रिंक कर जाएगा देख रहे हैं ये पतला हो गया सेल तो पतला हो जाएगा श्रिंक कर जाएगा हाइपोटोनिक के केस में अगर हाइपोटोनिक बोले हाइपोटोनिक का मतलब पानी ज्यादा हुआ पानी ज्यादा हुआ तो भर जाएगा नहीं भर जाएगा स्वेलक अगर आपके घर में पेड़ पौधे हों तो आपने ये चीज देखी होगी अगर पानी ज्यादा डाल दो तो फूल जाते हैं और ज्यादा ही डाल दो बहुत ज्यादा डाल दो तो फट से जाते हैं मतलब खराब से हो जाते हैं उसी तरीके से अगर कम डाल दो पानी मत डालो तो इसका मतलब क्या हो जाता है वो पानी सूखने लग जाता है मतलब पत्ता सूखने लग जाता है वो सेम तरीका है ये तो आपके लाइफ में आसपास ये चीजें होती रहती हैं आई नो बड़ी टेक्निकल टर्म्स में हम बातें कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ पे होती हैं ये तो हमारे घर के आसपास ही हो रही होती हैं तो हाइपरटोनिक हो गया जब पानी कम हो और उसकी वजह से सेल हो जाए श्रिंक हाइपोटोनिक होता है जब वो सेल मोटा हो जाए देखो मोटा हो गया ना और आइसोटोनिक आइसोटोनिक होता है कोई चेंज नहीं होता क्योंकि पानी एकदम बराबर होता है जितना चाहिए तो ये तो हो गया ये तीन तरह का डिफ्यूजन वाटर का आगे चलते हैं इसके अंदर प्लांट सेल आल्सो हैव सेल वॉल ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा सेल वॉल क्यों होता है एनिमल में क्यों नहीं होता सेल वॉल इसलिए होता है ताकि इनको वेदर कंडीशन से बचाने के लिए क्योंकि एनिमल वेदर कंडीशन के केस में जैसे मुझे अगर ठंड लग रही है तो मैं खिड़की दरवाजा बंद करके अंदर बैठ सकता हूँ अगर कुत्ते बिल्ली को ठंड लग रही है तो वो मूवमेंट कर सकते हैं इधर से उधर जा सकते हैं अपने अपनी बॉडी को गर्मी दे सकते हैं और बर्ड्स जो होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं लेकिन प्लांट जो होते हैं वो अपनी जगह पर ही टिके रहते हैं तो वो मूवमेंट नहीं कर सकते जिस वजह से उनको एक और एक लेयर की जरूरत होती है सिर्फ सेल मेम्रेन से उनका काम नहीं चलता सेल मेम सब में होती है सेल वॉल प्लांट्स में होती है तो वो उनको वेदर कंडीशन से बचाता है वेन प्लांट सेल लूज इज वाटर अब ऐसे कंडीशन होता है कि जब वो पानी लूज कर रहा होता है लूज कब करता है जब इवेपोरेशन होने लग जाता है बहुत ज्यादा गर्मी होती है थ्रू ऑस्मोसिस ऑसमोसिस से घबराना नहीं है जब पानी का मूवमेंट होता है अंदर से बाहर उस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस ठीक है द सेल कंटेंट गेट्स श्रिंक अवे फ्रॉम द सेल द प्रोसेस नोन एज प्लास्मोलाइसिस तो यहाँ पे आपको ये डायग्राम ढंग से दिखाई नहीं दे रहा होगा मैं अभी डायग्राम आपको दिखा भी दूंगा क्योंकि आपको यहाँ पर अभी इसको बनाना भी है तो इस प्रोसेस को कहते हैं प्लास्मोलाइसिस जब ये जो सेल मेंब्रेन होती है वो श्रिंक करके अंदर की तरफ चली जाती है अभी मैं इसको दिखा देता हूँ पहले क्वेश्चन भी देख लेते हैं अम्म इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल मेंब्रेन तो आपको बताइए यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा आंसर दे रखा है सेल मेम्ब्रेन का क्या इंपॉर्टेंस है तो सेल मेम्ब्रेन इज यहां से देखिये इससे स्टार्ट करेंगे पहले लिखना है सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ से लेकर आप यहां तक सेल तक आप कर लीजिएगा ठीक है यहां से लेकर यहां तक आपका आंसर हो जाएगा पहले का आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ एक्सप्लेन प्लाज्माइसिस विद डायग्राम तो प्लास्मोलाइसिस का आंसर आपको यहां से मिल जाएगा और डायग्राम भी आपको यहाँ पे दे रखा है बट मैं आपको इसकी फोटो अभी लार्ज करके दिखा दूंगा गिव मी मिनट्स पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर लू विच पार्ट ऑफ द सेल इज परमीएबल परमीएबल अभी हमने पढ़ा था ना कौन सा पार्ट परमिएबल होता है ऑब्वियसली आपको पता है कौन सा होता है सेल ओके प्लाज्मा मेंब्रेन किसे कहते हैं इसको वॉट हैपन विल वेंज वी एंड सोल्यूशनिक रेड ब्लड सेल प्लेस इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन विल गेन तो so, आपको मैंने बताया था कि वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएगा और अगर ज्यादा बढ़ गया तो वो रपच्चर भी हो जाएगा रप्चर का मतलब वो क्या बर्स्ट हो जाएगा वो फट जाएगा अब इसको मैंने डायग्रामेटिकली भी समझाने की कोशिश करी है तो हाइपोटोनिक के केस में देखें कि पानी सिर्फ आए जा रहा है।, आ रहा, है, आ रहा है, आ रहा है तो ये मोटा होता जा रहा है और यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो ये फटने का भी यहाँ पे इमेज बना रखा है और अगर हाइपोटोनिक होता है तो पतला होता चला जाएगा देख रहे हैं पानी सिर्फ जा रहा है जा रहा है जा रहा है तो इसी तरीके से अगर आइसोटोनिक होता है वो बराबर होता है थोड़ा आता है थोड़ा ज्यादा है तो इसे कहते हैं आइसोटोनिक है, इमेज के तरीके से आप इसको समझ सकते हैं तो आ, मैंने आपको बोला था कि एक लास्ट चीज बताने के लिए कि आपका डायग्राम मैं आपको दिखा दूंगा ये डायग्राम आपके पास है मैंने इसको एनलार्ज करके दिखा दिया है ताकि आप इसको आराम से ड्रॉ कर सके तो साइंस की वर्कशीट में इतना ही अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्कशीट हिंदी की तरफ आइए स्टूडेंट्स अब आपकी हिंदी की वर्कशीट देख लेते हैं यह है आपकी हिंदी की वर्कशीट कार्यपत्रक नंबर बीस ये उन्नीस अगस्त की वर्कशीट है तो ऑलरेडी हम एक वर्कशीट कर चुके हैं रसखान जी के सवैयों पर अब ये उसी की कंटिन्यूएशन में एक और सवैया है ये रसखान जी ने लिखा है उनका असली नाम था सैयद इब्राहिम लेकिन वो कृष्ण भक्ति में ऐसे मुग्ध हुए कि ब्रजभूमि में जा बसे और उनकी रचनाओं का संग्रह जो है वो रसखान रचनावली में मिलता है और उनकी रचनाएं मुख्यतः ब्रज भाषा में है तो रसखान जी जो थे वो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और अ, श्री कृष्ण के बारे में वो उनकी भक्ति के बारे में उन्होंने सवैया लिखा है जल्दी से ये पढ़ लेते हैं या लकुटी अरु कामरिया पर राजतिहू पुर को तजीदारो इसका मतलब है रसखान प्रस्तुत पद्यांश में कृष्ण अनन्य समर्पण भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वह ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोगों का राजपाठ भी त्यागने के लिए तैयार हैं। वो सब कुछ अपना न्योछावर चाहे कितना ही बड़ा उन्हें मिल जाए तीनों लोगों का लेकिन अगर उन्हें ग्वालों की लाठी दे दी जाए और उनका कंबल दे दिया जाए वो उतने से के लिए भी ये सारे राजपाठ को वो त्याग देंगे आठव सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की धेनु चराए बिसारो वो ये भी कहते हैं कि अगर उन्हें नंद की गाय चराने के लिए मौका uh, मिले तो वो आठों सिद्धि और नौ निधियों का जो सुख है वो उन्हें भी भुला दे तो अगर कोई इंसान सिद्ध हो जाता है तो और जो निधि होती है वो मिल जाती है उसको तो जो सुख है वो उसको भी खोने के लिए तैयार है यदि उन्हें नंद की जो गायें हैं उन्हें चराने का मौका मिल जाए रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो रसखान ब्रज के वन बागों और तालाबों को जीवन भर अपनी आंखों से निहारना चाहते हैं ये ब्रज के जो वन है बगीचे हैं जो तालाब हैं, वो उन्हें इतने सुंदर लगते हैं इतने मुग्ध कर देते हैं कि वो चाहते हैं कि जीवन भर बस इन्हीं को वो देखते रहें, निहारते रहें। कोटिक हूं कलधौत के करील के कुंजन ऊपर वारो साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि जो ब्रज की कांटेदार झाड़िया हैं उनसे बने हुए जब उन्होंने घर देखे जब वो झाड़ियां देखी क्योंकि वो ब्रज में थी वो भी उन उस उन्होंने भी उन्हें ऐसा मुग्ध किया कि उसके लिए तो वो सोने चांदी के महल भी नछावर करने को तैयार हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो पद्यांश है ये ब्रज भाषा में रचित है और ये सवैया छंद में रचित है तो ये जो जो रचना है इसको सवैया छंद कहा जाता है जो ब्रज भाषा में बहुत प्रचलित है बहुत ही फेमस है तो इसीलिए ये ब्रज भाषा में है तो कुछ शब्द जो है हो सकता है शायद आपको ना समझ आ रहे हो डायरेक्ट तो यहाँ पर उन शब्दों के अर्थ आपको दिए गए हैं जैसे कि कामरिया का मतलब है कंबल अड़ाग का मतलब है तालाब कलधौत के धाम का मतलब है सोने चांदी के करील का मतलब है कांटेदार झाड़ी और वारों का मतलब है न्योछावर करना अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम आगे बताते हैं आगे इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है तो जल्दी से आपके जो प्रश्न है वो देख लेते हैं तो प्रश्न एक आपका कहता है प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार कवि क्या क्या त्यागने के लिए तैयार हैं और क्यों तो डिस्क्रिप्शन में आपको पहले ही समझ आ गया होगा इसका उत्तर अब इसका उत्तर भी जल्दी से देख लेते हैं तो जैसा कि डिस्क्रिप्शन में आपको बताया गया कि कवि जो है वो कृष्ण भक्ति में इतने लीन हो चुके हैं कि उन्हें अगर ग्वालों की लाठी और कंबल का मौ, आ, का मौका मिले उनके लिए वो तीनों लोगों को का राजपाट छोड़ने के लिए तैयार है वो नंद की गायों को चराने का अगर उन्हें मौका मिले तो वो आठों सिद्धियों और नौ निधियों के सुख को भी त्याग त्याग करने को तैयार है कांटेदार झाड़ियों की लताओं के घर को उन्होंने जब देखा तो उनके ऊपर तो वो करोड़ों सोने के महल भी न्यौछावर करने के लिए तैयार है अब इस प्रश्न के बाद हम चलते हैं आपके प्रश्न दो पर प्रश्न दो आपका कहता है रसखान ब्रज के वन बाग और तालाब को जीवन भर क्यों निहारना चाहते हैं ये हमने डिस्क्रिप्शन में आपको पहले ही बता दिया है अब इसका उत्तर भी देख लेते हैं तो इस उत्तर में आप लिखेंगे कि रसखान जी जो है वो जो कवि हैं उन्होंने जब से ब्रज के वनों बगीचों तालाबों इत्यादि को देखा है वे इनसे दूर नहीं रह पा रहे हैं इसलिए उन्हें जीवन भर निहारना चाहते हैं वो इतने मंत्र मुग्ध हो चुके हैं इनसे कि वो जीवन भर इन्हें बस देखते ही रहना चाहते हैं वो इतने भक्ति में लीन हो चुके हैं आगे चलते हैं आपके प्रश्न तीन पर प्रश्न तीन आपका कहता है पिछले सप्ताह आपके आसपास अथवा आपके द्वारा कौन कौन से पर्व मनाए गए तो पिछले सप्ताह आपने कौन कौन से पर्व मनाए उनके नाम आपको लिखने हैं और साथ ही साथ आपको हर पर्व पर आपको तीन तीन बिंदु लिखने हैं और आपको ये भी बताना है कि ये जो सवैया है क्या ये किसी पर्व इन ये जो पर्व आपने मनाए पिछले हफ्ते उनमें से किसी पर्व के साथ क्या ये सवैया जो है जुड़ा हुआ देंगे तो आपने कौन से पर्व मनाए हैं जरा सोचिए है तो जी हाँ पिछले सप्ताह सब आपने सबसे पहले जो पर्व मनाया था वो था जन्माष्टमी का पर्व और इसी पर्व को आप इस सवैये से भी जोड़ सकते हैं क्यों क्योंकि ये पर्व जो है वो कृष्ण के कृष्ण जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है और रसखान जी जो है वो भी श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं तो यहाँ पर हमने जन्माष्टमी के ऊपर ये तीन बिंदु लिखे हैं आप भी इनको यहाँ लिख सकते हैं और अब चलते हैं दूसरे पर्व की ओर तो दूसरा पर्व आपने कौन सा मनाया था जी हाँ तो दूसरा पर्व जो आपने मनाया था इस हफ्ते वो था स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय पर्व ये राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाया जाता है तो यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस के ऊपर भी हमने तीन बिंदु लिखे हैं आप इनको लिख सकते हैं चाहे तो आप अपने शब्दों में जन्माष्टमी के ऊपर और स्वतंत्रता दिवस के ऊपर आप कोई और बिंदु भी लिख सकते हैं साथ ही साथ आप अगर चाहें तो इन पर्वों के चित्र भी चिपका सकते हैं अब चलते हैं आपके प्रश्न चार के ऊपर प्रश्न चार आपका कहता है प्रस्तुत पद्य तथा शब्दार्थ में से अपनी शब्द पसंद के किन्हीं तीन शब्दों का प्रयोग कर तीन वाक्य लिखिए तो डिस्क्रिप्शन में जैसा कि मैंने आपको समझाया जो वहां शब्दार्थ लिखे हुए थे उनके मीनिंग मैंने आपको पहले ही समझा दिए हैं तो या तो उनमें से या कोई और भी अगर आपको कोई शब्द पसंद आ रहा है तो उनमें से कोई भी आपको तीन शब्द चूज करने हैं और उन पर तीन वाक्य लिखने हैं तो हमने यहाँ पर अपनी पसंद के तीन शब्द लिख दिए हैं न्यौछावर तालाब और कंबल और उससे यहाँ वाक्य बना दिए हैं आप चाहे तो आप भी अपनी पसंद के यहाँ शब्द लिखकर उनसे वाक्य बना सकते हैं इन वाक्यों को देखते हुए आप लंबे और अच्छे वाक्य मीनिंगफुल वाक्य आप बना सकते हैं उम्मीद करते हैं ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए आज के लिए इस वर्कशीट में इतना ही है फिर मिलेंगे आपकी अगली वर्कशीट के लिए अभी के लिए Thank you.